फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सीतू पटेल टिप्स फॉर वुमेन। और फ्रेंड्स, आज हम बताएंगे काली खांसी को दूर करने के लिए आप अमरूद का प्रयोग कर सकते हैं। अमरूद का सेवन करना बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होगा, लेकिन इसे आप किस तरीके से प्रयोग करें जिससे आपकी जो काली खांसी है वो दूर हो जाए। तो फ्रेंड्स, काली खांसी की यदि समस्या होती है या आपको नॉर्मल खांसी भी होती है, तब भी आप ये प्रयोग कर सकते हैं और इसको करने से आपको काफ़ी ज़्यादा लाभ होगा। फ्रेंड्स, अमरूद बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है और कई तरीके की बीमारियों को ठीक करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। यदि हम इसकी फल की बात करें, इसके पत्तियों की बात करें, तो ये कई तरीके के रोगों को ठीक कर सकता है। चलिए फ्रेंड्स, अब बताते हैं कि काली खांसी को दूर करने के लिए आप इसका प्रयोग किस तरीके से करें। अमरूद आपको लेना है, पका हुआ आप अमरूद ले लीजिए और इसको आप राख या फिर बालू में सेक लीजिए। गरम राख में इसको रखकर सेकिए या फिर आप गरम जो बालू होती है, रेत होती है, उसमें रखकर सेक लीजिए और सुबह या फिर शाम के समय, दोनों टाइम आप चाहें तो दोनों टाइम इसका सेवन कीजिए। इससे आपकी जो काली खांसी है वो ठीक हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा प्रयोग है। इसको आपको भूनकर यानी सेक कर ही खाना है, कच्चा आप इसे सेवन ना करें, इससे आपको उल्टा असर भी हो सकता है। तो हमेशा इसे भूंज कर ही खाएं और इसे भूनने के लिए आप राख और बालू का प्रयोग करें, इससे आपको काफ़ी ज़्यादा लाभ होगा। तो फ्रेंड्स, ये थी छोटी सी जानकारी, उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आई होगी। इस तरह की और जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल के आइकन को जरूर ऑन कर लें ताकि जब भी हम इस तरह की वीडियो आपके लिए लेकर आएँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और वो वीडियो आप सबसे पहले देख पाएँ। और फ्रेंड्स, अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर जरूर करें।